एक कार्यक्रम रखा है जो कि इस बारे में केंद्रित है कि जो हमारी सुंदरता के जो पैमाने हैं जो हमने बना रखे हैं समाज में, और इसमें जो ये कॉस्मेटिक कंपनियों का बहुत ज्यादा योगदान है उसको लेके आज हमने फोकस करके एक प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, जिसको हम लोगों ने नाम दिया फेयर एंड लवली प्रोटेस्ट। और उसका आइडिया ये था कि ये जो कंपनियां हैं ये बार बार दावा करती हैं कि आप अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो आपका कॉन्फिडेंस लो है, ये आपको सबकॉन्शियसली आपका दिमाग इस तरह तैयार करती हैं कि आपको एक सेट पैटर्न में डालती हैं। ब्यूटी को लेके, सुंदरता को लेके हमारे समाज की समझ को बहुत बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस कॉज के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे इसका सीधा संबंध है। बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग और क्रिमिनल माइंडेड लोग, उनको ऐसा लगता है कि सुंदरता का सीधा मतलब उनकी किसी का चेहरा हम बिगाड़ देंगे तो उसकी सुंदरता उसे छीन लेंगे, जो कि पूरी तरह गलत है। शीरोज की लड़कियों ने यह साबित करके दिखाया है उन्हें कि हम अपने मन से सुंदर हैं, हम अपने कर्मों से सुंदर हैं, ना कि हम अपने चेहरे से सुंदर हैं। और ऐसी ही समस्या मिस यूनिवर्स के कंटेस्टेंट्स जो आए थे उन्होंने भी शेयर की कि जिनकी स्किन कलर डार्क था उनको बहुत सारा कुछ इस तरह का फेस करना पड़ा प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना एक ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए जहाँ पे हम इस तरह की क्रीम्स का, इस तरह के कॉस्मेटिक्स का, उनके इस अप्रोच का बहिष्कार करें। हालांकि इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं और उससे बहुत बदलाव भी आया है, इवन इन कंपनियों ने भी अपने प्रचार के तरीके में बदलाव लाया है। तो ये एक केंद्र बिंदु था इस बात का। बाकी मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन की जो टीम है पिछले लगातार 7-8 सालों से लगातार आ रही है, और हर बार जो मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन बनता है वो इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि दुनिया भर में वो इस संदेश को लेके